अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू तस्लीम व्लॉग्स। आज हम बनाने वाले हैं ब्रॉड बीन्स की हेल्दी और टेस्टी साइड डिश। ये है 1/2 kg का ब्रॉड बीन्स। उसको छील के जो अंदर का सीड्स होता है उसको हम निकाल लेंगे। मैंने पहले से ही छील के रखा हुआ है, जो थोड़े से हैं उसको भी छील के ऐड कर लूँगी। थोड़ा सा प्रॉन लिया है मैंने। मैंने लिया है 2 ऑनियन और 1 टमाटर। ब्रॉड बीन्स को हमें गर्म पानी में डाल के छीलना है, इसलिए हम नॉर्मल पानी को बर्तन में रख दिया है। ब्रॉड बीन्स को मैंने पानी में ऐड कर लिया है, इसे बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। पानी बॉईल होने के समय ही आपको फ्लेम ऑफ कर देना है, इसको ओवर कुक नहीं करना है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप रख के भूल जाओगे या फिर ओवर कुक हो जाएगा, तो पहले पानी को बॉईल कर लेना, उसके बाद सीड्स को ऐड करने के बाद आप छील सकते हो। यहाँ पे मैंने पीने का पानी नहीं ऐड किया है, नॉर्मल बोर का पानी ही ऐड किया है। मैंने गर्म पानी को निकाल दिया है और नॉर्मल पानी को ऐड कर लिया है ठंडा होने के लिए, तो आप इजीली छील सकते हो। सीड्स के एक हिस्से में लोच के प्रेस करने से ही आ जाता है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप लोगों को इस टाइप से छीलने के लिए टाइम नहीं है तो ना छिले भी इसको आप कुक कर सकते हो। तो मैंने छील लिया है। कढ़ाई रख के 3 बड़े चम्मच तेल को ऐड कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद ऑनियन को भी ऐड कर लेंगे। ऑनियन को गोल्डन ब्राउन करना है। ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अभी हम प्रॉन्स को ऐड कर लेंगे। प्रॉन्स को कसने के बाद टमाटर को ऐड कर लेंगे। एक चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और नमक को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। अभी हम सीड्स को ऐड करके मिक्स कर लेंगे। एक ग्लास पानी ऐड करके ढक के पकाना है। बीच बीच में चेक करके मिक्स करते रहना। अभी हमारा ब्रॉड बीन्स का साइड डिश रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी होता है, घर में ज़रूर एक बार ट्राई करना। अभी ये रेडी टू सर्व है। अगर आप लोगों को मेरा ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।